से मिल के आए हैं, अभी क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? ये सम्मान एक गरीब परिवार के लड़के को जो है वो बीजेपी ही दे सकता है, दूसरी पार्टी नहीं दे सकती है। बिहार में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जहां पे अगर सूटकेस भर के आप नहीं लेके जाएंगे तो वो पार्टी जो है वो अपने में ज्वाइन भी नहीं कराती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कि गरीबों का सम्मान करती है, हमारे जैसे युवाओं का सम्मान करती है, यूट्यूबर का सम्मान करती है, एक माँ का सम्मान करती है। तो बीजेपी एक अलग पार्टी है और दुनिया की इसीलिए सबसे सशक्त, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी बनी है, क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में हैं और वो जो है हमेशा ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोगों को काम करना है। और इस वजह से जो है मेरी माँ जो है वो नरेंद्र मोदी जी की फैन है। और माँ ने कहा, मनोज भैया बिहार आए थे, माँ से मिले और माँ ने कहा कि नहीं, आपको मोदी जी के साथ काम करना है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो है? मतलब कि बस राष्ट्रवाद के लिए मैं काम करता रहूंगा, और जब मैं पहले भी राष्ट्रवाद के लिए काम करता था तो कुछ पार्टियां जो है मुझे फंसा के जेल में डाल दी थी, हालांकि कोर्ट में मुझे भरोसा था और बीजेपी के बहुत सारे नेतागण मेरा साथ दिए, मनोज भैया, संजय मयूख जी और सुशील मोदी जी, विनोद तावड़े जी का आशीर्वाद रहा, विनोद तावड़े जी से मेरी माँ मिली हुई थी, पत्र भी दी थी, तो विजय सिन्हा जी, ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत साथ दिया, नित्यानंद राय जी ने साथ दिया, तो मैं आज जो है अगर जेल से निकल पाया हूँ सही सलामत तो माँ का आशीर्वाद और बीजेपी के अनेकों नेताओं का साथ, इसलिए मैं निकल पाया हूँ। तो माँ ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर आप काम कीजिए और मैं काम कर रहा हूँ। माता जी बात करना चाहेंगे? माता जी, आज भारतीय जनता पार्टी आपके बेटे ने ज्वाइन किया है, जब नड्डा जी से मिले हैं, अभी इन्होंने बताया कि मोदी जी को आप बहुत मानते हैं, कैसे देखना चाहिए? आज बहुत हम खुश हैं कि जो मेरा बेटा बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, बहुत खुश हैं, हमारे कहना माना, हम मान कर जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब नड्डा जी और मोदी जी के जो आशीर्वाद से पार्टी में बेटा है आपका, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा से देखते हैं, हमको अच्छा लगा बीजेपी तो हम सौंप दिए जी, बीजेपी में जाकर ज्वाइन कर लिए, बस बीजेपी से। मधु देवी, मधु देवी।